बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ इंडियन मूवीज़ ने धमाके मचा कर रखे हैं। मतलब एक के बाद एक ऐसी ऐसी मूवीज़ आ रही हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है साउथ इंडियन मूवीज़ को देखकर। आजकल बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ इंडियन मूवीज़ अच्छी आ रही हैं, तो ऐसी ही एक मूवी लेके आए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, लेके आ गए आपकी ज़िंदगी में एक और बवाल। आज हम बात करने वाले हैं A1 एक्सप्रेस मूवी के बारे में। भाई साहब, ये स्पोर्ट्स पर बेस्ड मूवी है और स्पोर्ट्स पर करप्शन और नेपोटिज्म को दिखाने के लिए ये मूवी बनाई गई है। और ये एक तमिल मूवी का रीमेक है जिसका नाम नटपे थुन्नई है। ये तमिल में बनी हुई मूवी है जो सेम ऐसी ही है, पूरी स्टोरी सेम टू सेम है। तो ये भाई और भाई साहब, ये बहुत अच्छी मूवी है। मतलब जिसको स्पोर्ट्स से लगाव नहीं है, आप स्पोर्ट्स नहीं जानते हैं, मतलब ये है तो हॉकी पर बेस्ड, अपना नेशनल गेम है, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, हॉकी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तब भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि स्टोरी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। भाई साहब, इसको IMDb पर 6.8 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसको 96% लोगों ने पसंद किया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, और आप भी देखोगे तो आपको भी पसंद आने वाला है। लेकिन बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो भाई साहब, इसने सिर्फ 5 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है। मतलब जैसे राधे जैसी मूवीज़ 100-200 करोड़ रुपए ऐसे ही कमा जाती हैं, सलमान खान की कोई भी मूवी कमा जाती है, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज़ जहाँ पर एक अच्छी एक्टिंग, एक अच्छी स्टोरी, अच्छा डायरेक्शन देखने को मिलता है, वहाँ पर ये मूवीज़ सिर्फ 5-10 करोड़ रुपए ही कमा पाती हैं। तो ये एक बुरी बात है, चलिए वो अलग की बात है। अब बात करते हैं मूवी की। तो भाई साहब, मूवी आई थी 5 मार्च 2021 को, बहुत ही ख़तरनाक मूवी है। और इसमें काम किया है संदीप किशन ने, ये अपने लीड रोल पे हैं, और इनके अपोजिट हैं लावण्या त्रिपाठी और मुरली शर्मा है इसमें हॉकी कोच, और राव रमेश पॉलिटिशियन कम विलेन। तो भाई साहब, राव रमेश और मुरली शर्मा ये दोनों ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हम लोगों के दिल पर राज किया है, और बहुत भयंकर एक्टिंग करते हैं। मतलब आपको इनकी एक्टिंग से आप समझ ही गए होंगे, मतलब इन दोनों के नाम सुन के कि कैसी एक्टिंग होने वाली है। तो मूवी तो काफ़ी अच्छी है। तो बात करें देखना चाहिए कि नहीं, तो भाई साहब बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो देखो जाके, अगर वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई के चैनल है। और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सा नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।